मुश्ताक अहमद साहब मुलाजमत पेशा हैं। आपका सवाल है कि शिर्क को छोड़कर मेरी ज़ात से दानिस्ता या गैर दानिस्ता लग्जिशें होती रहती हैं, जिसका बराह रास्त फौरी असर मेरी रोजी रोटी पर होता है। तौबा करता हूँ, नादिम होता हूँ, ज़मीर भी मलामत करता है, लेकिन फिर गुनाह की कशिश शजर ममनुआ को छोड़े बगैर नहीं रह सकती। क्या इंसान इस हद तक कमज़ोर है? तदारुक क्या करना चाहिए? तदारुक क्या होगा? देखिए, तदारुक तो ये है कि अपने ईमान को और गहरा कीजिए और गहरा कीजिए और गहरा कीजिए, जिसका मंबा और सरचश्मा कुरान है। कुरान पढ़ें और कुरान को अव्वल तो कोशिश करें, अगर आपकी उम्र अभी ऐसी है कि आप सीख सकते हैं तो अरबी ज़बान सीखें और कुरान को अपनी आँख से पढ़ें, तर्जुमे से नहीं। तर्जुमा सेकेंड हैंड नॉलेज है। तर्जुमा जब आप पढ़ रहे होते हैं तो मुतरजिम की आँख से कुरान पढ़ रहे होते हैं, अपनी आँख से नहीं, तो वो सेकेंड हैंड नॉलेज है। वो नॉलेज दे सकता है, इंस्पायर नहीं कर सकता। तर्जुमा कभी इंस्पायर नहीं करता। तो ईमान जो पैदा होता है वो कुरान को समझ कर पढ़ने से है। उस ईमान की कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो जाता। अच्छा, ये भी है कि बास तबाए, जैसे कोई जिस्मानी तौर पर बहुत कवि है, बास जो कमज़ोर हैं पैदा ही लागिर होते हैं और फिर सारी उम्र लागिर रहते हैं। ऐसे ही अंदर से इंसान के अंदर जो कुव्वत इरादी है वो भी बास की मजबूत होती है, जो फैसला कर लिया डट गए। बास की कुव्वत इरादी इतनी मजबूत नहीं होती। मसलन बाज़ लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ सकते, 8 महीने 10 महीने, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा औरत कर गई। तो ये वो उनकी जो विल पावर है, स्ट्रेंथ ऑफ डिटर्मिनेशन, वो कम है। तो अल्लाह ने उनके लिए भी फरमाया है, तवाबून खत्ताउन, कुल्लो बनी आदम खत्ताउन, और खैरुल खत्ताईन तवाबून, तमाम इंसान इंतहाई खताकार हैं। इन खताकारों में वो हैं जो तौबा बहुत करते हैं। और ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि जिस वक्त आपने तौबा की, एक दफ़ा उस अमल को छोड़ना लाजिम है, उस वक्त ये इरादा होना चाहिए कि अब दोबारा नहीं करूँगा, उस वक्त दिल के अंदर जो है पशेमानी होनी चाहिए। और अगर वो हुकूक़ लिबाद का गुनाह है तो या तो जिसका पैसा मारा है उससे माफ़ी हासिल करें या कंपनसेट करें, इसलिए कि हुकूक़ लिबाद के जो मामलात हैं वो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अपने हुकूक़ को माफ़ करने में वो बहुत सखी है। इसके बाद आप कुछ अरसे के बाद फिर गुनाह हो गए, फिर तौबा करें, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करें, जुड़े रहें अल्लाह के साथ। मैं उसकी मिसाल दिया करता हूं, किसी बच्चे को माँ मार रही है, वो बच्चा माँ ही से लिपट रहा है। इसी तरीके से अल्लाह से लिपटे रहो और समझो कि हाँ ये मुझसे गुनाह हो रहा है, फिर दोबारा, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी कुव्वत इरादी कमज़ोर है तो अल्लाह ताला जो है आपकी जो भी कुव्वत उसने आप में रखी है, आपके जीन्स में कोई कमज़ोरी है, तो मैं बयान कर चुका हूँ कि जो शाकिला इंसान का है, कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलते ही, ये वो जीन्स के ज़रिए से बनता है और माहौल की वजह से बनता है। लिहाजा इसके अंदर अंदर ही आप अमल कर सकते हैं तो अल्लाह ताला जानता है और हर एक से वो उसकी वसत के मुताबिक हिसाब लेगा।